Bright Future School of Studies. Hello everyone. Today I am explaining Chapter 10 of EVS. Okay. आज मैं आपको EVS का Chapter 10 पढ़ा रही हूँ. So which is our 10th chapter? कौन सा है हमारा 10th chapter? MY NEIGH BOUR SWOD neighborhood. Okay, my neighborhood. What is the means of neighborhood? क्या means होता है neighborhood का? हमारा पड़ोस है ना, जो भी हमारे आसपास की जगह है, it means वो हमारा क्या है? Neighborhood है. Got it? अब हम इसके word meaning देख लेते हैं. Now, our first word is NEIGHBOUR neighbor. Neighbor it means पड़ोसी. FRIEND friend. Friend it means दोस्त. NEAR near. Near it means पास. PLACE place. Place it means जगह. BUY buy. Buy it means खरीदना. SAFE safe. Safe it means सुरक्षित. SICK sick. Sick it means बीमार. Got it? अब आपको क्या करना है, अपनी EVS कॉपी में 10th चैप्टर मेंशन करके उसमें ये वर्ड मीनिंग राइट करना है, इनको लर्न भी करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज NAME नेम. ANYNE THREE PLACES places. IN in. YOUR your. NEIGHBOURSWOD neighborhood. Okay, name any three places in your neighborhood. It means आपको सिर्फ three places के नाम बताना है जो भी आपके आसपास हो. Okay, it means THREE PLACE places. ARER the three places are. अब हमारे आसपास तो बहुत सारी जगह है ना, बहुत सारी places है, like school भी होता है, hospital होता है, park, bank, mall, बहुत सारी places है ना, उसमें से हमको सिर्फ three के name बताना है. So answer is PARK park, जहाँ हम play करने के लिए जाते हैं. Now second is SCSOOL school for study. Okay, now third is HOSPITAL हॉस्पिटल. ओके, जब भी हम बीमार हो जाते हैं, सीक हो जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं ना. तो ये थ्री प्लेसेस हो गई. गॉट इट? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज WHEREE वेयर. WOULD वुड. YOUGO गो. IFE YOUARER SICK सिक. वेयर वुड यू गो इफ यू आर सिक. अगर आप बीमार हो जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाते हैं बीमार हो जाते हैं? तो वी विल गो हॉस्पिटल. हॉस्पिटल जाएंगे ना हम. सो आंसर इज HOSPITAL हॉस्पिटल. गॉट इट? अब आपको आफ्टर वर्ड मीनिंग ये क्वेश्चन आंसर राइट करना है, इनको लर्न भी करना है, एंड आफ्टर राइटिंग आपको इस वर्क का पिक क्लिक करना है और वो पिक मुझे सेंड करना है. ओके, थैंक यू.